पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, मेरे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर ये अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से शालिनी आप देख पा रही हैं आपके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जिनके अभिनंदन के लिए खास कार्यक्रम, कुछ ने तो झुक करके उन्हें प्रणाम भी किया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आगे फूलों का गुलदस्ता लिए महिला कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रही है, जेपी नड्डा उनके पीछे है, पहले महिला कार्यकर्ता आगे, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हाथ से बुके लेते हुए। और इसके पहले जितने कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद ये नारा यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ से महिला कार्यकर्ता और हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए, ये जताते हुए कि ये जो आपका हक था वो शायद बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन अभी अगर मिला है, शुरुआत अगर हुई है, तो इसके आगे बस उन्नति ही उन्नति है, आगे ही बढ़ते जाना है, आप पीछे हटने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच की ओर बढ़ते हुए और भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अभिनंदन करने के लिए गेट पर मौजूद थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ पूरा एक प्रतिनिधि मंडल था जो प्रधानमंत्री को लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय के इस गेट तक पहुंचा, और ये पूरा नजारा प्रशांत के सबसे सुखद था कि जेपी नड्डा को आपने देखा वो जरा पीछे खड़े थे, दो महिलाएं सामने थी। पहली जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ बीजेपी दफ्तर में घुसने के बाद वो महिला कार्यकर्ताओं से हुई है, उनके हाथ से उन्होंने गुलदस्ता लिया, और आज जेपी नड्डा दो कदम पीछे थे। और ऐसा आज हम ही नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी में कुछ ऐसा ही देखा गया, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि सुबह भी आपने माइक जैसे हमें दिया वैसे ही आज हमने देखा कि जेपी नड्डा पीछे जरा हो गए और पहला महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल ये पारित हुआ या बीजेपी को पेश करना चाहती है, और इसी की झलकी हमें आज इन विजुअल्स में मिली। पीएम गाड़ी से उतरते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, उसके बाद मंच की ओर बढ़ रहे होते, तो और ये साथ अभी हमारे बिल्कुल साइड में ये मंच लगा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद है जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अभिनंदन करने के लिए वहां पहुंची, फूलों की बरसात उन पर की गई थी, झुक करके उन्हें प्रणाम भी किया, अभिवादन भी किया, जबकि अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। प्रशांत देखिए, ये न केवल विजुअल से प्रशांत, ये मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है, और न केवल यहाँ मौजूद महिलाओं को, हमारे आपके या कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो महिलाएं मौजूद है वह ये महसूस करेंगी, वह फील करेंगी मैं खास करके प्रियंका यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जब भी कहते हैं उसमें कोई ना कोई संदेश जरूर होता है, और संदेश के साथ साथ उपलब्धि कितनी भी बड़ी हो उसमें अहंकार कभी नहीं होता है। प्रियंका जी बिल्कुल, और देखिए आज जैसे प्रशांत ने भी बोला, शायद इंतजार तमाम लोगों को इस बात का भी रहेगा कि क्या यहाँ से साधुवाद स्वीकार करते हुए विपक्ष के उस डाउट पर या जो इल्जाम वो लगा रहे हैं उसको काउंटर भी करेंगे, क्या वो बताएंगे कि क्या ये जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है, वो कारण है जिसकी वजह से वे आगामी चुनाव में अप्लाई नहीं हो सकते, ये देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक हमने संसद में देखा है उन्होंने को पॉइंट काउंटर करते हैं, लेकिन अब वो लाभार्थियों के बीच है, वो उन महिलाओं के बीच है जिनको इनका लाभ मिलना है, उनको समझाना बहुत जरूरी भी है, देश की महिलाओं को खासकर ये समझाना जरूरी है कि देर से अब ये जो आरक्षण मिला है उसमें और देर क्यों हो रही है, उसके पीछे कोई मंशा रही हो ये नहीं है, ये समझ देश की महिलाओं में जब आएगी तो मुझे लगता है और ज्यादा जो लोग, क्योंकि अब तक के इसका जवाब, बिल्कुल इसका जवाब तो संसद में देते रहे तमाम नेता, प्रधानमंत्री ने भी बात रखी, गृह मंत्री ने अपनी बात रखी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रख रहे थे बीजेपी के, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं ये ठीक साथ में हमारे मंच लगा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल यहां से साफ हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो टीम देश के नंबर वन न्यूज चैनल की जो कैमरा टीम है, पंकज निजाम है और केडी, इनकी कैमरे के जरिए जो तस्वीरें जा रही है तमाम दर्शकों तक, करोड़ों दर्शकों तक, इसमें यह साफ उत्साह दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए जो एक खास कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद, ये साफ सीधे हम यहाँ इन तस्वीरों से देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी की मौजूदगी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देख रहे हैं, भारतीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिति श्रीनिवासन की मौजूदगी है, और जिस तरह से यहाँ एक हुजूम उमड़ा हुआ है, निर्मला सीतारमण, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी, निर्मला और जिनसे लोगों आपने बात की शालिनी, और ये भी तो कहा जा रहा था अमित की ये दिल्ली का एक खाली जश्न नहीं रहने वाला है, राजस्थान में भी महिलाएं चाहती है कि वहाँ एक अलग से कार्यक्रम हो, हरियाणा में हर जगह
जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आसपास की तमाम महिलाएं। अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने, अभी जो महिलाएं उनसे मिली हैं वो झुक गए। देखिए ये तस्वीर सम्मान में, बिल्कुल सही प्रियंका जो आप ये कह रही है कि पीएम मोदी की ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती है किस तरीके का सम्मान वो अपने मन में रखते हैं महिलाओं के प्रति। बकायदा पर माला पहनाने के बाद हाथ जोड़कर यह अभिवादन किया, यह संदेश है, इस मुख्यालय से संदेश है देश के कोने कोने की महिलाओं को कि हमने महिलाएं। बिल्कुल बहुत हर्ष की का विषय है ये, बहुत खुश है हम, लेकिन थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए प्लीज, इतना क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए। मैं जा रही हूँ क्योंकि चलिए ठीक है यहाँ पर, लेकिन एक चीज प्रशांत आप देखिए, इतनी तेज धूप के बावजूद जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है लोगों में कि प्रधानमंत्री को वो खुद देखें जिनका अभिवादन करें, और हम ये पूरी तस्वीरें सामने देख पा रहे हैं झुक झुक कर प्रधानमंत्री। सेटिंग पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इस वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, पुरुषों की बात कर रही हूँ, और जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा तमाम महिला सांसदों को मंच पे स्थान दिया गया है, कोई और जो मंत्री पद के लोग हैं या कोई भी और वहाँ मौजूदगी नहीं है, क्योंकि सम्मान महिलाओं का है इसलिए मौजूदगी। हम ये कहते हैं कि देश का प्रधान सेवक जब कुछ कर रहा होता है तो उससे सीख लेने की जरूरत देश के हर शख्स को होती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर झुक कर प्रणाम कर रहे हैं महिलाओं का, तो ये सीख हर उस शख्स को है कि वो समझे कि महिलाओं के लिए कृतज्ञ होना कितना जरूरी है, और ये कह देने भर से नहीं होता है कि महिलाएं हैं तो हमें, बल्कि उसे करके दिखाना होता है, और आपके आचरण में भी वो व्यवहार होना चाहिए जो अभी दिखाई दिया। बिल्कुल।